हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 9.2 निर्देशांक ज्यामिति है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट सूत्र है वो क्या है। अंतर्विभाजन x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। इसी प्रकार से y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। इसी प्रकार जो सूत्र होता है, अगला सूत्र होता है ब्राह विभाजन का, मतलब वहा है विभाजन। अब यहां पर देखिए ब्राह विभाजन में क्या होगा, वही x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, ठीक है। तो y निर्देशांक क्या होगा, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे क्या हो जाएगा m1 माइनस m2। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है इसका, मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने का। मध्य बिंदु निर्देशांक, मध्य बिंदु निर्देशांक क्या है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। इसी प्रकार y निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूलाज है, महत्वपूर्ण सूत्र है। सबसे अच्छा तरीका है इसको m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे देखो बाह्य जो विभाजन है, बाह्य विभाजन है उसमें देखो केवल माइनस का फर्क पड़ा है, अंत में प्लस आता है, बाह्य में माइनस आता है। उसके बाद मध्य बिंदु निर्देशांक आता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतर विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो कोई भी दो बिंदु है उनको मिलाने वाला एक रेखाखंड बना देंगे। रेखाखंड के निर्देशांक क्या है, इसमें 3.5 और दूसरा निर्देशांक क्या है 7.9। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो इसको कितने अनुपात में, 2:3 में अंतर विभाजित करता हो। भाई यहां पे देखो, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए, भाई हमको बिंदु P के निर्देशांक याद करने हैं जो रेखाखंड AB है। रेखाखंड जो A और बिंदु B निर्देशांकों को जोड़ रहा है उसे 2:3 में अंतर विभाजित करता। तो सबसे पहले तो आप यहां पे क्या लिखोगे, बिंदु पी x, y रेखाखंड AB को मिलाने वाले अंतर विभाजित है। ठीक है,
अब अंतर विभाजित करता है तो सूत्र लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स वन। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपका काम रहेगा इसको रिप्रेजेंट करने का, सबसे पहले इसको दर्शाने का। तो ये क्या है एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू, ठीक है। यहां पे देखो ये एक्स वाई, हमेशा इसको एक्स वाई मानना है। तो अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे क्या हो जाएगा एम वन प्लस एम टू। यहां पे देखिए एक्स का मान चाहिए, एम वन कितना है, ये एम वन है और ये क्या है यहाँ पे एम टू। एम वन का मान कितना है यहाँ पे दो गुणा, एक्स टू का मान कितना है यहाँ पे देखो, एक्स टू कितना है सात प्लस एम टू मान कितना है तीन और गुणा एक्स वन का मान कितना है यहाँ पे, एक्स वन का मान कितना है तीन, एम वन प्लस एम टू मतलब दो प्लस तीन, सात दुनी चौदह। हल कर लेंगे हम, दो को सात से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सात दुनी चौदह, प्लस तीन को तीन से गुणा करो कितना हो जाएगा नौ बटे में दो और तीन कितना हो गया पांच, चौदह में मैं नौ जोड़ूंगा कितना हो जाएगा तेईस बटे आ जाएगा पांच। एक्स निर्देशांक हो गया हमारे पास। इसी प्रकार से मैं वाई निर्देशांक याद करूंगा, वाई निर्देशांक क्या है यहाँ पे, वही मैं इसका सूत्र लिख लूंगा। अंतर विभाजन कर रहा है तो अंतर विभाजन का सूत्र लिख देंगे, क्या होगा यहाँ पे एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे क्या हो जाएगा एम वन प्लस एम टू। यहां पे देखिए एम वन, एम वन का मान कितना है दो, वाई टू, वाई टू का मान कितना है यहाँ पे नौ प्लस एम टू का मान कितना है तीन और वाई वन का मान कितना है यहाँ पे पांच बटे में एम वन प्लस एम टू। एम वन का मान दो है और एम टू का मान तीन है, नौ दुनी अठारह प्लस तीन को पांच से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा पांतिया पंद्रह बटे में कितना हो गया दो और तीन पांच, अठारह और पंद्रह कितना हो गया तैतीस बटे पांच। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे, लास्ट में क्या लिख दोगे, रेखाखंड जो बिंदु P है, बिंदु P रेखाखंड AB को, बिंदु P क्या है इसके निर्देशांक क्या है तेईस बटे पांच कौमा तैतीस बटे पांच। रेखाखंड AB को दो अनुपात तीन में अंतर विभाजित है, यहां पे देखो बिंदु P निर्देशांक लिखती है हमने तेईस बटे पांच और तैतीस बटे पांच, रेखाखंड AB को दो अनुपात तीन में अंतर विभाजित करता है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये भी काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को एक अनुपात तीन के अंतर विभाजित करता है और प्राय विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें एक क्या बनाना है, रेखाखंड बनाना है। अब रेखाखंड में A बराबर A जो बिंदु है वो हमको दे रखा है एक कॉमा माइनस का तीन
और दूसरा दे रखा -3.9, ठीक है, बिंदु भी। अब ओ बिंदु है यहां पे जिसके निर्देशांक x, y, और आपको यहां पे सिद्ध करना है कि मूल बिंदु ओ रेखाखंड ए बी को अंतः विभाजित करता है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, यहां पे सिद्ध करना है कि मूल बिंदु ओ रेखाखंड ए बी को अंत विभाजित कर, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसका अनुपात हमको दे रखा है 1:3। जब अंत विभाजित करता है तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 plus m2 x1 बटे m1 plus m2, m1 और x2, तो इनका नाम दे देंगे x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 और y2, और यहां पे क्या हो जाएगा m1 और m2। m1 का मान देखिए, m1 का मान कितना है यहां पे 1 गुणा x2 का मान कितना है यहां पे माइनस का 3, तो यहां पे कितना कर दूंगा कोष्टक लगा के -3, प्लस m2 कितना है 3, m2 का मान 3 गुणा x1 का मान कितना है 1 बटे में देखिए m1 plus m2, मतलब 1 प्लस कितना हो गया हमें 3, 1 को -3 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा माइनस का 3, प्लस 3 को 1 से गुणा करो 3 एकम 3 बटे में क्या हो गया 1, और 3 कितना हो गया बच्चा 3 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा 0/4। आपको पता है कि 0 का किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो, चाहे कितने भी हजार थाउजेंड का भाग दे दो, तो कितना आएगा हमेशा 0। आगे मैं बात करता हूं इसके बाई निर्देशांक के बारे में। तो बाई निर्देशांक क्या है इसका, वही m1 y2 plus m2 y1 बटे क्या हो जाएगा m1 plus m2 y बराबर। m1 का मान कितना है यहां पे 1 गुणा y2 का मान कितना है यहां पे 9, प्लस का चिन्ह लगा प्लस लगा। अब देखिए m2 का मान कितना है यहां पे माइनस का m2 का मान कितना है 3 गुणा y1 का मान कितना है यहां पे माइनस का 3 बटे क्या है m1 plus m2, तो 1 प्लस 3। 1 को 9 से गुणा करो 9 एकम 9, प्लस है, प्लस को माइनस से गुणा करो तो कितना हो जाएगा माइनस, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 1 और 3 कितना हो गया 4, 9 में से 9 गया तो कितना बचा कि 0/4, मतलब कितना आ गया 0। तो y निर्देशांक कितना आ गया यहां पे 0। तो यहां पे देखो सिद्ध हो गया हमारे पास कि जो निर्देशांक है 0, जो मूल बिंदु है रेखाखंड ए बी को कितने अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है 1:3 में। तो यहां पे आप लिख सकते हो जहां मूल बिंदु एक अनुपात 3 में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। इसी में अगला देखिए, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इसका अगला पार्ट देखिए।
इसी क्वेश्चन का जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थ्री का, मूल बिंदु O रेखा खंड AB को बाह्य विभाजित करता है, तब बिंदु O के निर्देशांक क्या होंगे। अब हम बात करते हैं, बिंदु O रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित करता है, तो बिंदु O के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 रख दीजिए। m1 का मान कितना है यहाँ पे, एक, और x2 का मान कितना बताइए, माइनस का तीन, माइनस चिन्ह में माइनस लगा दो। m2 का मान कितना है यहाँ पे, तीन, तो तीन रख दो, गुणा x1 का मान कितना है यहाँ पे, एक, बटे में क्या हो जाएगा m1 माइनस m2। m1 का मान कितना, माइनस का एक, m1 का कितना है यहाँ पे, एक, माइनस m2 का मान कितना है यहाँ पे, तीन। अब इसको गुणा भाग कर लीजिए, एक को माइनस तीन से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का तीन, माइनस चिन्ह में माइनस लगा दो। तीन को आप एक से गुणा करोगे, तीन एक का तीन, एक में से माइनस तीन गया तो कितना बचेगा, एक में से, देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, एक में से तीन जाएगा कितना बच जाएगा, माइनस का दो। माइनस तीन और माइनस तीन, माइनस तीन प्लस माइनस तीन कितना हो जाएगा, माइनस का छह, बटे में कितना, माइनस का दो, माइनस से माइनस कट गया, दो का भाग छह में देंगे तो कितनी बार जाएगा, छह में दो का भाग दोगे तो कितनी बार, तीन बार। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे, तीन आ गया। अब मैं बात करता हूं y निर्देशांक के बारे में, तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा, वही एम वन बाई टू माइनस एम टू बाई वन बटे एम वन माइनस एम टू। बाई निर्देशांक एम वन का मान कहाँ है यहाँ पे, एम वन बराबर कितना है, एक, गुणा बाई टू का मान कितना है यहाँ पे, नौ, माइनस एम टू, एम टू कहाँ है यहाँ पे, तीन, गुणा बाई वन का मान कितना है यहाँ पे, माइनस का तीन। M1 का मान कितना है यहाँ पे देखिए, एक, माइनस M2 का मान कितना है यहाँ पे, तीन, एक को नौ से गुणा करो, नौ एक का नौ, माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करो क्या हो जाएगा, प्लस, तीन को तीन से गुणा करो, नौ बटे एक में से माइनस तीन गए तो कितना बचेगा, माइनस का दो, नौ प्लस नौ कितना हो गया यहाँ पे, अठारह, माइनस का दो, दो का भाग दूंगा अठारह में तो कितना आ जाएगा, नौ बार, माइनस का नौ। तो यहां पे देखिए बिंदु O के जो निर्देशांक है, यहां पे देखिए आते हैं, बिंदु O के निर्देशांक तीन कॉमा माइनस नौ है। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई भी हमको दो बिंदु दे रखे हैं और उसको रेखा पे दोनों तरफ रख दो, भाई हमको जो 9.1 और 9.2 के क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें अधिकतर क्या करना होगा उसकी बात हम करते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी दो बिंदु दिए होंगे और दोनों को दोनों तरफ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमको, 22.20, तो यहाँ पे क्या है 22.20, ठीक है। अगला है यहाँ पे 0.16, कितना है 0.16 को, 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इन दोनों को मिलाने वाला मध्य बिंदु क्या है यहाँ पे P, और इसके निर्देशांक क्या है x,
बाई, और ये रेखा खंड का नाम दे दिया हमने रेखा खंड ए बी। अब हम बात करते हैं यहां पे जो रेखाखंड ए बी है उसको बिंदु पी मध्य इन दोनों को दो बराबर भागों में बांटता है और मध्य बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहां पे लिखोगे रेखाखंड ए बी को मिलाने वाले बिंदु मध्य बिंदु पी के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई माना, यह हमने माना है रेखाखंड ए बी को मिलाने वाले मध्य बिंदु पी के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई है। भाई रेखाखंड ए बी है उसको जो बिंदु पी है उसके निर्देशांक ज्ञात करना, और बिंदु पी क्या है यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, x बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटे कितना हो जाएगा दो, इसी प्रकार वाई वन प्लस वाई टू बराबर कितना हो जाएगा दो। y निर्देशांक की बात करो तो y1 वन प्लस वाई टू बटे दो। ये जो सूत्र है मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने के लिए किया जाता है। देखिए इसका मैं सबसे पहले नाम इसका दे देता हूं x1 y1 और यहां पे क्या हो जाएगा x2 और y2। रखिए x बराबर x1 कितना है यहां पे 22 प्लस x2 का मान कितना है यहां पे x2 का मान कितना है यहां पे 0 बटे 2। 22 में 0 जोड़ो, यहां पे देखो गलती मत कर रहे 22 प्लस 0 22 में 0 जोड़िए कितना हो जाएगा यहां पे 22 बटे 2। x बराबर 2 का भाग दीजिए 22 में तो कितना आ जाएगा 11 दुनी 22। ठीक है इसी प्रकार हम बात करें y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। यहां पे देखिए y बराबर y1 का मान कितना है यहां पे देखिए y1 कितना है 20 प्लस y2 का मान कितना है यहां पे 16 बटे कितना है 2। 20 में 16 जोड़ो कितना हो गया यहां पे 36 बटे कितना हो गया 2 मतलब कितना आ गया 18 बिंदु P के निर्देशांक आ गया। यहां पे आप नीचे लिख सकते हो रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक कितना आया है 11.18। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। कोई भी दो बिंदु है रेखाखंड है उसको मिलाने वाले 5, 3 और यहां पे -3, -2
को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बिंदु क्या है, ए है, और बिंदु क्या है, ये बी है। बिंदु ए के निर्देशांक हो गए बिंदु बी के निर्देशांक। अब रेखाखंड ए बी को मिलाने वाला, जो मिलाने वाला एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में अंतर विभाजित, तो एक्स अक्ष की बात कर रहा है, एक्स अक्ष पे क्या होता है, वाई का मान जीरो होता है, एक्स अक्ष पे क्या होता है, वाई का मान जीरो होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो, मतलब एक्स अक्ष पे क्या होगा, एक्स की अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष पे क्या होगा, वाई का मान जीरो होता है, और वाई अक्ष पे हमेशा एक्स का मान जीरो होता है, उल्टा होता है, एक्स अक्ष पे होगा तो वाई का मान जीरो होगा, वाई अक्ष पे होगा तो एक्स का मान जीरो होगा। अब यहां पे देखो, इसे नाम मैंने दे दिया बिंदु पी, बिंदु पी रेखाखंड ए बी को के अनुपात एक में एक्स अक्ष द्वारा अंतर विभाजित करता है, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं इसके बारे में कि बिंदु P है रेखाखंड ए बी को के अनुपात एक में अंतर विभाजित करता है। भाई हमको तो क्या करना है, यहां से इसका अनुपात निकालना, मतलब ये कितना अनुपात होगा, इसका मैं नाम दे देता हूँ एक्स वन बाई वन, ठीक है, और ये क्या है एक्स टू बाई टू, और ये क्या है एम वन एम टू, ठीक है। अंतर विभाजित कर रहा है तो अंतर विभाजन का सूत्र लगेगा एक्स बराबर एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, बटे क्या हो जाएगा एम वन माइनस एम टू। एम वन का मान कितना है यहाँ पे के, और एक्स टू का मान कितना है माइनस का तीन, प्लस एम टू का मान कितना है, एम टू का है एक, और एक्स वन का मान कितना है यहाँ पे पांच, बटे एम वन माइनस एम टू, तो एम वन का मान के है और एम टू का मान कितना है ए, एक्स बराबर, ठीक है, के को माइनस तीन से गुणा करो तो कितना हो जाएगा माइनस का तीन के, प्लस प्लस एक को पांच से गुणा करो कितना हो जाएगा पांच बटे में के माइनस एक, ठीक है। अब यहां से देखो, हम इसे आगे तो हल नहीं कर सकते, इसे यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि हमें आगे कुछ नहीं पता। अब इसी तरीके से बाई निर्देशांक निकालेंगे, तो बाई निर्देशांक निकालने के लिए क्या होगा, एम वन बाई टू एम टू बाई वन, बटे क्या हो जाएगा एम वन माइनस एम वन प्लस एम टू। एम वन का मान कितना है ए, बाई टू का मान कितना है माइनस का दो, प्लस एम टू कितना है एम टू, एम टू का मान यहाँ पे एक है गुणा, और बाई वन का मान कितना है यहाँ पे तीन बटे एम वन माइनस एम टू, तो एम वन का मान कितना है यहाँ पे के और माइनस ए, ये हो गया बाई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बाई का मान कितना है यहाँ पे जीरो, तो मैं इस पे जीरो लिख सकता हूँ, तो के गुणा माइनस का दो प्लस एक को हम तीन से गुणा करेंगे, एक को तीन से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा तीन एकम तीन बटे के माइनस ए, ठीक है। अब यहां से देखो, इसको मैं वज्र गुणा कर दूंगा, तो वज्र गुणा करने पर, ठीक है, वज्र गुणा के माइनस एक को मैं जीरो से गुणा करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, जबकि ये जीरो नहीं हो सकता, तो यहां पर लिखो के माइनस एक नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है के का मान एक के बराबर एक के बराबर नहीं होगा, ठीक है।
क्या होगा जीरो, इसको मैं इससे गुणा कर देता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे के गुणा माइनस का दो और प्लस तीन बराबर जीरो। पक्षांतरण कर देता हूं इसका, ठीक है, मैं पक्षांतरण कर देता हूं, प्लस का तीन उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का तीन, और के को माइनस दो से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा माइनस का दो के, प्लस का तीन उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का तीन, माइनस से माइनस कट गया तो के बराबर कितना आ गया तीन बटे दो। कितने अनुपात में अंतर विभाजित करता है, तीन अनुपात दो में, तो बात देखते हैं। देखो तो आप नीचे लिखोगे बिंदु P रेखाखंड AB को कितना तीन अनुपात दो में अंतर विभाजित करता है। ओके फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन में यदि कोई भी डाउट है आपको तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।